जी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे कि जी रोटिंग टेबल को कैसे कंप्लीट करते हैं और रोटिंग टेबल में क्या क्या होता है। तो रोटिंग टेबल में दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, एक हमारे पास होते हैं बाय डिफॉल्ट दो इन्फॉर्मेशन होती है रोटिंग टेबल में। एक हमारे पास क्या होता है डायरेक्टली कनेक्टेड, इनके डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज, ये हमने सीसीएनएम में भी पढ़ी थी। और दूसरी जी चीज हमारे पास होती है इसके अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस। ये दो चीजें बाय डिफॉल्ट हमारे पास रोटिंग टेबल के अंदर मौजूद होती हैं। जी कि अगर हम मेरा अगर रिप चल रहा है तो रिप में क्या होता है ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको बताऊं कि हमारा ए होता है, ऐसे समझे कि ये मेरा एक रोटर आ गया जिसका आर वन है और ये कनेक्टेड है आर टू के साथ, और इधर इसका ये सीरियल 0/0 और यहाँ पर भी सीरियल है इसकी 0/0, और यहाँ पर यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि इसको अपनी डायग्राम के मुताबिक कर टोपोलॉजी के 1/0 और इधर इसकी है 1/0, और इसको आईपी यहाँ पर है 1.1.1.1 और इधर आईपी है 1.1.1.2, और हमारे पास इधर नीचे आता है इसका फास्ट इथरनेट 0/0। फास्ट इथरनेट पे आईपी हमारा क्या होता है 200.100.50.100, और हमारा दूसरी साइड पे फास्ट इथरनेट पे आईपी क्या है, फास्ट इथरनेट है 0/0 और इधर भी आईपी क्या है 200.100.100.100, ये हमारा इधर आईपी है। तो समझे कि इस टोपोलॉजी में मेरा रिप चल रहा है, तो रिप में क्या होता है ए यूनियन बी किया जाता है। क्या किया जाता है जी बी, मीन कि अगर मैं इधर ए का राउटिंग टेबल लिखूं जो कि बाय डिफॉल्ट है, समझे कि रिप चलने से पहले मैं अगर ए का राउटिंग टेबल लिखूं यहाँ पर, तो समझे कि जी ये मैं ए का राउटिंग टेबल लिख रहा हूँ, तो मेरे पास दो सी आ जाएंगे क्योंकि ए के साथ दो डायरेक्टली कनेक्टेड है। जी एक है मेरे पास 1.0.0.0 किसका नेटवर्क है 1.1.1.1 का, जी क्योंकि राउटिंग टेबल में सिर्फ नेट आईडीज होती है। जी किधर से आ रहा है सीरियल 1/0 से, और जो भी दो चीजें ना डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडी और डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, तो ये दोनों मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद हमारे पास दूसरा कौन सा है 200.100.50.0, तो मैंने 50.0 क्यों किया क्योंकि ये क्लास सी का आईपी है और क्लास सी के आईपी का सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0, क्योंकि उसके अंदर 24 बिट होस्ट की होती है और 8 बिट नेटवर्क की होती है, और जो सॉरी 24 बिट नेटवर्क की होती है और 8 बिट होस्ट की होती है, तो इसलिए हम नेटवर्क की बिट को नहीं छेड़ते हैं और होस्ट की बिट को हम जीरो कर देते हैं, तो इसलिए इसका सबनेट मास्क बनता है 255.255.255.0। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 200.250.0 इसका नेटवर्क बनेगा, जो कि किधर से आ रहा है फास्ट इथरनेट 0/0। इधर तक कोई सवाल हो जी आपका? चलिए नहीं जी बी का राउटिंग टेबल लिखते हैं। तो हमारे पास बी का राउटिंग टेबल सॉरी आर वन का, ये हमने आर वन का लिखा है, ए का नहीं है, ये आर वन का है, ये आर वन का राउटिंग टेबल। अब हम लिखते हैं आर टू का राउटिंग टेबल। तो आर टू के राउटिंग टेबल में हमारे पास इस तरह दो चीजें आ जाएंगी डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज और डायरेक्टली इंटरफेसेस। तो हमारे पास दो हैं डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज और दो ही डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं जो आर टू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका मतलब दो सी आ गए, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड जोन से होते हैं वो सी से शो किए जाते हैं। और हमारे पास क्या आ गई आगे, पहला नेटवर्क मेरे पास कौन सा 1.0.0.0, मैंने 1.0.0.0 को लिखा क्योंकि इसका डायरेक्टली कनेक्टेड है 1.1.1.2 और उसकी नेट आईडी क्या बनती है 1.0.0.0, वो क्यों बनती है क्योंकि ये क्लास ए का आईपी है जो 1.1.1.2 है, और वो क्लास ए में 8 बिट होती है नेटवर्क की और 24 बिट की होती है होस्ट की, और हम नेटवर्क की बिट को नहीं छेड़ते और होस्ट की बिट को हम जीरो कर देते हैं, जिस वजह से हमारे पास जो इसका सबनेट मास्क है वो क्या बनता है 255.0.0.0.0। नेटवर्क की बिट का मतलब है कि सब ऑन है, सब ऑन का मतलब है कि सब वन है, सब वन का मतलब है अगर सारे वन होंगे तो क्या बनेगा, जब करें इधर से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इन सबको प्लस करें तो हमारे पास 255 बनता है, तो इसलिए पहला ऑन होगा तो 255 आ जाएगा, बाकी सारे जीरो होंगे तो इसका जीरो ही आ जाएगा, तो इसलिए हमारे पास 1.0.0.0.0 आ जाता है।
दूसरा हमारे पास क्या है, 200.100.100.0, और पहला किधर से आ रहा है, सीरियल 1/0 से, और दूसरा किधर से आ रहा है, फास्ट 18.0/0 से। इधर तक कोई आपका सवाल हो तो पूछे। नहीं, चलें जी, बहुत अच्छी बात है, आगे मूव करते हैं। तो ये मेरा आ गया इटरेटिंग टेबल। तो रिप क्या करता है, रिप में या डायनामिक प्रोटोकॉल में क्या होता है कि ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट होता है, जो ए के पास में, क्योंकि अगर मैं आर वन से बैठकर अगर मैं पिंग करूं R2 के फास्ट 18.0/0 के आईपी, जो के है 200.100.100.100, इसको पिंग, वो क्या करेगा, जैसे मैं इसको पिंग करूंगा वो इसकी कोरस्पॉन्डिंग नेट आईडी निकालेगा, जो क्या बनती है 200.100.100.0, और उसे अपने रूटिंग टेबल में तलाश करेगा। तो रूटिंग टेबल में मौजूद होगी तो इसे पिंग हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो पिंग नहीं होगा। तो इसे के लिए, अब रूटिंग टेबल में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब इसे पिंग नहीं होगा। इसे कंप्लीट करने के लिए मेरे पास क्या दो तरीके हैं, कौन कौन से, एक स्टेटिक और डायनामिक। डायनामिक में हमारे पास प्रोटोकॉल आते हैं, तो प्रोटोकॉल में हमारे पास जो सबसे पहला प्रोटोकॉल आता है उसे रिप कहते हैं, रूटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप में क्या होता है, डायनामिक में कोई भी प्रोटोकॉल हो वहां पर ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट चलता है, कि जो उसके पास नहीं है उधर आ जाए। मेरे ये मेरा क्या है, ए आर वन का है टेबल, जी इस टाइम ये इनकम्प्लीट है, और ये हमारे पास क्या है R2 का है, ये भी इनकम्प्लीट है। तो इनके जी दरमियान में क्या हो जाएगा, यूनियन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वो इसके पास है वो इधर आ जाएगा, और जो इसके पास है वो इधर आ जाएगा। तो जब रिप चल जाएगा इन दोनों के ऊपर, तो हमारे पास इधर एक वैल्यू शो होना शुरू हो जाएगी, किससे आएगी, वो R से नजर आएगी हमें। यहाँ एक वैल्यू हमें जी R से नजर आना शुरू हो जाएगी। R से क्या आएगा, जो इसके पास था 200.100.100.0, जी और R2 के पास क्या था, यहाँ पर R2 के पास क्या आ जाएगा, 200.100.50.0, और हमारे पास एक 100.0 किया करके आ रहा है। इसका AD वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रिप का कितना होता है, 120। AD वैल्यू को जी बताया था, जो छोटी वैल्यू होती है, अगर मल्टीपल प्रोटोकॉल चल रहे हैं, इनके मेरे पास रिप भी चल रहा है और OSPF भी चल रहा है, तो जिस प्रोटोकॉल की AD वैल्यू छोटी होगी उस प्रोटोकॉल को रूटिंग टेबल में जगह दी जाएगी, क्योंकि एक जी एंट्री एक नेटवर्क रूटिंग टेबल में सिर्फ एक दफा ही आ सकता है। ये नहीं हो सकता कि R से, अगर रिप से आ रहा 200.100.100.0 और यही OSPF शो होता हो उसी रूटिंग टेबल में, ये नहीं हो सकता। या तो R से शो हो सकता है या OSPF से शो हो सकता है। इसलिए क्या होता है, अगर मैंने मल्टी प्रोटोकॉल रन किए हैं तो जिस प्रोटोकॉल की AD वैल्यू छोटी होगी उस प्रोटोकॉल को रूटिंग टेबल में जगह दी जाएगी। तो इसलिए RIP कितनी होती है, 120, और OSPF भी कितनी होती है, 110, 110, जिसकी छोटी होगी उसको रूटिंग टेबल में जगह मिलेगी। तो इस टाइम सिर्फ रिप चल रहा है, तो हमारे पास आगे से क्या आ जाएगी, ब्रैकेट में 120, और जी इसका रिप का अब जो मैट्रिक है वो क्या होता है, जो कि अच्छा AD वैल्यू जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, उसका दूसरा नाम है रोटिंग प्रेफरेंस। इसका हमारे पास एक मैट्रिक होता है जिसका दूसरा नाम है रोटिंग पॉलिसी। तो ये इसका रिप का है AD वैल्यू जो सा है वो है 120, और इसका मैट्रिक जो है उसे हम कहते हैं हॉप काउंट। तो यहाँ पर देखें, ये R जो 200.100.100.0, ये एक छलांग लगा के आया, ये देखें एक छलांग लगाई इसने, जी तो इसलिए आए कि स्लैश आ जाएगा। इसी तरह जो R2 पे आया, ये भी इस तरह से 120/1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरह से रोइंग टेबल कंप्लीट हो चुका है अब हमारा। तो ये जो मैंने जो बातें बताई, ये सारी CCNA में हम पढ़ के आए हैं। इधर तक कोई सवाल हो जी आपका? नहीं नहीं, चले बहुत अच्छी बात है, अब हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, रोटिंग टेबल देखने ही क्या कमांड है, शो आईपी राउट। रोटिंग टेबल देखने ही कमांड क्या है, शो आईपी राउट। जी ये भी हम CCNA में पढ़ के हैं, शो आईपी राउट से हम रोटिंग टेबल को देख सकते हैं। जी तो अब हम, मैंने जो ये बात की है, इसको हम एक दफा रन कर आउट करके टोपोलॉजी को हम देख लेते हैं। तो मैं GNS3 पे ओपन करता हूँ इसको, तो अभी मेरा GNS3 स्टार्ट होगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, एक दो मुझे पहले चाहिए था ये स्टार्ट कर लेता ताकि ये टाइम ना लेता। वो तो ये भी होया था 2-3 मिनट के अंदर। तो ये जी मेरा GNS3 हो चुका स्टार्ट। यहाँ पे यूनाइटेड मैं क्या लिखता हूँ, मैं रिप की रैप कर रहा हूँ डायनामिक में, तो मैं कोई भी नाम लिखते, मैं रिप लिख देता हूँ। वो क्या करता हूँ, रोटर मैंने निकालने, तो मैं यहाँ से ये C7200 आपको मैंने कल करके दिया था इंस्टॉल, जी ये दो रोटर निकाल लिए, R1 और R2 आ गया। अब नीचे मैंने क्या लगाना है, PC लगाना है या कोई स्विच लगाना है, जाके इंटरफेस मेरे यहाँ पर। तो मैं यहाँ देखें, ये नीचे स्विच वाली साइड पे आ गए, यहाँ पे मेरे पास एक स्विच है इथरनेट स्विच के नाम से,
ये आपके पास जी भी होगा। इसको मैं इस तरह से नीचे इसके लगा लूंगा दोनों के। ठीक तो ये करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, वायर पे क्लिक करूंगा। करने के बाद R1 पे क्लिक करूंगा और Serial 1/0 से मैं इसको Serial 1/0 के साथ अटैच कर दूंगा। उसके बाद R1 पे क्लिक करूंगा, फास्ट Ethernet 0/0 से मैं इसको Ethernet 0 से कनेक्ट कर दूंगा। इस तरह R2 को भी फास्ट Ethernet 0/0 से Ethernet 0 पे कनेक्ट कर दूंगा। करने के बाद हम इसे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और यस करते हैं। तो ये मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसकी CLI लेता हूँ, तो CLI के लिए मैं साथ इस आइकन को दबाऊंगा, तो ये इन दोनों की CLI आ जाएगी मेरे पास। ठीक ये इन दोनों की मेरे पास CLI आ चुकी है, R1 की भी और R2 की भी। तो कंट्रोल टैब करूंगा तो ये चेंजिंग हो गई इनकी। ये देखिए R1 आ ठीक गया और ये R2 आ हाँ गया। अब मैं क्या करता हूँ, जी R1 पे चलता हूँ। R1 पे जाने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलता हूँ। वहां जाने के बाद इंटरफेस Serial 1/0 पे चलता हूँ। वहां जाने के बाद IP एड्रेस में रहता हूँ, इसे 1.1.1.1.255.0.0.0, क्योंकि ये क्लास एक है, नो शट। उसके बाद एग्जिट करता हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ इंटरफेस फास्ट Ethernet 0/0, जिसके नीचे मैंने IP देना जो कि इसका लैन का है। उसका IP एड्रेस मैं दूंगा 200.100.50.100, और साथ ही मैं लिख दूंगा 255.255.255.0, क्योंकि ये क्लास सी का IP एड्रेस है। उसके बाद नो शट, जी और फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। तो ये मेरा R1 के ऊपर IP डेसिंग तक का काम खत्म हो चुका है। मैं वेरिफिकेशन भी कर लेता हूँ कि मेरा वाकई ये IP डेस्क काम हो चुका है या नहीं। तो वेरिफिकेशन ही कमांड क्या, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, और एंटर करूंगा तो ये जी मुझे मेरे पास आ गया फास्ट Ethernet 0/0, जिस पर मैंने IP दिया 200.100.50.100, और ये अप एंड अप है। लाइन प्रोटोकॉल इज अप एंड इंटरफेस इज आल्सो अप। अब मैं जी Serial 1/0 पर देखें तो ये भी मेरा अप एंड अप है, अप एंड डाउन है। क्यों डाउन है, क्योंकि दूसरी साइड पे मैंने अभी अपनी किया इसे जाकर। तो मैं दूसरी साइड पे भी जाके जी IP देता हूँ। R2 पे आता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलता हूँ। यहाँ जाने के बाद इंटरफेस Serial 1/0 पर जाता हूँ। वहां जाने के बाद मैं इसे IP एड्रेस देता हूँ 1.1.1.2.255.0.0.0। उसके बाद इसे मैं क्या करता हूँ, नो शट। नो शट करने के बाद मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ, और अब मैं चलता हूँ इंटरफेस फास्ट Ethernet 0/0। वहां जाने के बाद मैं IP एड्रेस दे देता हूँ इसे 200.100.100.100 और 255.255.255.0। उसके बाद मैं इसे क्या करता हूँ, नो शट। नो शट करने के बाद एग्जिट करता हूँ, और इधर भी मेरा IP काम खत्म हो चुका है। और मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ ताकि इधर भी मैं वेरिफिकेशन कर सकूँ। तो ये देखे मेरे पास इधर फास्ट Ethernet 0/0 जो कि अप एंड अप है, और Serial 0/0 भी अप एंड अप हो चुकी है, क्योंकि अब मैंने दोनों साइडों पर IP असाइन कर दिया है। अब मैं रिप जी चलाता हूँ। तो रिप चलाने के लिए मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिप। लिखने के बाद अगर मैं लिखूंगा नेटवर्क, पहला मेरा नेटवर्क कौन सा, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड मैंने एडवर्टाइज करवाने हैं। तो मेरा पहला क्या है, 1.1.1.1 IP है, उसके अगेंस्ट नेटवर्क क्या बनेगा, 1.0.0.0, एंटर। दूसरा मेरा IP कौन सा है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, 200.100.50.100, जिसके अगेंस्ट नेटवर्क क्या बनेगा, 200.100.50.0। तो ये मैंने जी दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज करवा दिए। मेरा रिप R1 के ऊपर चल चुका है। अब मैं चलता हूँ R2 पे। R2 पे जाने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ राउटर रिप। राउटर रिप लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेटवर्क। नेटवर्क मेरा पहला कौन सा है, 1.1.1.2 मेरा IP है, जिसके अगेंस्ट नेटवर्क का बनता है 1.0.0.0। उसके बाद मैं लिखता हूँ जी नेटवर्क मेरा इधर 200.100.100.0। तो ये मेरा रिप चल चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, शो IP राउट करता हूँ R1 पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो IP राउट। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको राउटिंग टेबल लिखवाया था, ये देखें R से आ रहा है 200 क्या करके, 120/1 करके। तो ये इधर नजर आना जी शुरू हो गया है। अब मैं R2 पर चलता हूँ, यहाँ पर भी शो IP राउट करता हूँ, तो यहाँ पर भी वो चीज नजर आएगी जो कि हमें R से नजर आ रहा है, 50.0। अब मैं इसे पिंग करवा के एक दफा चेक करवा देता हूँ। पिंग करता हूँ मैं 200.100.50.100, क्योंकि मैं R2 पर बैठ के R1 के नीचे दिए गए इंटरफेस जो कि लैन का, उसमें पिंग कर रहा हूँ। तो मैंने जी एंटर किया तो मेरा पिंग हो गया। पिंग क्यों हो गया, क्योंकि राउटिंग टेबल में एंट्री मौजूद थी, तो इस वजह से मेरा ये पिंग हो चुका है। तो ये थी हमारी
राउटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस विच कैन सेलेक्ट द बेस्ट पाथ ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटर इज अ यूनिकास्ट डिवाइस फॉर द डाटा नॉट फॉर द प्रोटोकॉल। तो ये हमारी उस बात को साबित करता है। अब मैं अच्छा अगर देखना चाहता हूँ कि मेरे से मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से हैं, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नजर आए, मुझे रिप अगर चल रहा है ये नजर ना आए, मुझे सिर्फ मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नजर आए जितने भी हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा शो आईपी राउट और आगे आप लिख दें वर्ड कनेक्टेड का, तो ये भी सिर्फ डायरेक्टली अच्छा आएगा। और मैंने एंटर किया तो ये देखिए मुझे अभी सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, बाहर से नजर नहीं आ रहे, समझाए। इसी तरह हमारे जी पास और भी हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ रिप से जो प्रोटोकॉल आ रहे हैं जो इनकी कन्वर्जेंस होकर जो आ रहे हैं सिर्फ वो नजर आए मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ शो आईपी राउट रिप, एंटर करता हूँ, देखिए आप मुझे सिर्फ आर से रिप से नजर आएंगे। इसी तरह आप अगर ओएस लिख देंगे ओएस से नजर आएंगे, या मैं लिखता हूँ कि जी कौन सा प्रोटोकॉल, मैं लिखता हूँ शो आईपी राउट, मैं एक एक राउट देखना चाह रहा हूँ वो कितने क्या करके आ रहा है, तो मिलता है शो आईपी राउट 200.100.100.0, इनको मुझे इसके मुतलिक इन्फॉर्मेशन दो। तो एंटर किया तो जी देख मुझे इसके मुतलिक सारी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रही है। वो कहता है जो सी रोटिंग एंट्री आप चेक करना चाह रहे हैं वो किधर से आ रही है, नो वी रिप, उसका डिस्टेंस कितना है 1 पीस, उसका मैट्रिक कितना है एक, एक ओपन किया ना उसने ये एक हो गया, लास्ट अपडेट किधर से हुई थी 1.1.1.2 से, और उसने किधर से की थी सीरियल 1/0 से, 200.100.100.0 क्या है, जो 0 है वो 1.1.1.2 आर 2 के राउटर में से आ रहा है, तो इसलिए वो ये यहाँ जी पर सारी चीजें बता रहा है। तो आई ठीक होप कि ये इनके डिटेल देखने के लिए हम आगे जो किसी भी नेटवर्क का डिटेल शो आईपी राउट लिख के आगे उस नेटवर्क का उस आगे वो नेटवर्क लिख दें जिसकी आप डिटेल चेक करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है मिलके इट इज ओनली फॉर द स्पेसिफिक राउट, जी जी, उसका आईपी एड्रेस देखें। तो ये हमारे पास थी चीजें। अब मैं कुछ एक लिखता हूँ, एक जरा एडी वैल्यू जरा बताता हूँ मैं आपको सबकी, किसकी कितनी है और किसकी क्या क्या है। तो मैं वापस इधर आता हूँ, इसको मैं करता हूँ थोड़ा इरेज, और ये करने के बाद हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होते हैं जिसे हम राउटिंग प्रेफरेंस भी कहते हैं, रिजल्ट किस पे होता है मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो हमारे पास सबसे पहले आता है कनेक्टेड जिसे हम डायरेक्टली कनेक्टेड कहते हैं, तो डायरेक्टली कनेक्टेड का जो एडी वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, इसीलिए वो हमेशा पहले से नजर आता होता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेटिक राउट, हम स्टेटिकली डिफाइन करते हैं और स्टेटिक की होती है जी हमारे पास 1। उसके बाद हमारे पास आता है रिप जो कि हमने अभी चलाया हुआ है, ये डायनामिक जी प्रोटोकॉल, इसकी कितनी है 120। उसके बाद हमारे पास आता आई जी आर पी, मैंने बताया था हमारे पास एक प्रोटोकॉल था आई जी आर पी जो कि अभी बंद हो चुका है, पहले होता था अब नहीं होता, तो आई जी आर पी अच्छा कितनी थी 100 थी। उसके बाद हमारे पास आता है ओ एस पी एफ, ओ एस पी एफ कितनी है 110। उसके बाद हमारे पास है ई आई जी आर पी, ई आई जी आर पी हम बड़ी डिटेल में अपने कोर्स में और बहुत अच्छे तरीके के साथ एक एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे, तो ई आई जी ठीक आर है पी की कितनी 2 है, ई आई जी आर पी की 1 90 जो कि हम सी सी एन ए में 90 तक बात रखते थे, लेकिन इधर हम जी, 170 भी है, ये हम देखेंगे 90 और 170 में क्या डिफरेंट है। उसके बाद हमारे ठीक पास है आता है हमारा बी जी बी एक प्रोटोकॉल जो कि हम इधर सी सी एन पी में पढ़ेंगे जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसकी भी 2 है, एक इसकी है 20 और दूसरी इसकी है 200। ये क्या है, इट्स अ प्रेफरेंस प्रोटोकॉल। तो ये आपने लिख लिया, जी लिख ली। चलें जी ये थे हमारे पास क्या थी, इसको हम कहते हैं एडी वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या राउटिंग प्रेफरेंस, इसके 2 नाम है। और वो प्रेफरेंस ऑफ प्रोटोकॉल्स नंबर्स। हाँ जी, नहीं नहीं प्रोटोकॉल नंबर नहीं, प्रेफरेंस ऑफ प्रोटोकॉल सिर्फ। तो इसके बाद हम अब आगे मूव करते हैं, तो हमारे पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक, जी मैट्रिक जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक का दूसरा नाम क्या है, राउटिंग पॉलिसी, जी तो राउटिंग पॉलिसी भी कहा जाता है। तो हमारे पास पहले क्या था रिप, जो रिप है इसका मैट्रिक क्या है हमारे पास, हॉप काउंट, इसके बाद हमारे पास आता है ओ एस पी एफ,
जो ओएसपीएफ है इसका हमारे पास क्या कोस्ट, जिसे हम बैंडविड्थ भी कह सकते हैं, इनके कोस्ट, इनके स्पीड, आपको कोस्ट का बताया थी, लिंक की स्पीड वगैरह। उसके बाद हमारे जी पास आईजीआरपी। अब जो आईजीआरपी है और जो ईआईजीआरपी है, इन दोनों के सेम है, इन दोनों के क्या सेम है, आईजीआरपी और ईआईजीआरपी के क्या क्या। इसका पहला है बैंडविड्थ, ठीक दूसरा हमारे पास क्या है डिले, इसके 5 मैट्रिक है। उसके बाद हमारे पास फिर है रिलायबिलिटी, फिर हमारे पास क्या है लोडिंग, एंड लास्ट में हमारे पास क्या है एमटीयू। और अभी एक नया आया K6 के नाम से, उसे K6 कहते हैं हम। ये K6 जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है 1 0, ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम ये जार भी पढ़ेंगे तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है, बस ये हमारे पास है बीजीपी के, बीजीपी जो हमारा प्रोटोकॉल है उसका कोई मैट्रिक नहीं होता, वो हम पढ़ेंगे जब बीजीपी में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे उसका क्या होता है। ठीक। और आपको मैंने बताया था रिप का जो हॉप काउंट है इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 15 हॉप काउंट तक है, ये 15 से ऊपर नहीं कर सकता। ये हमने सारा जी सीसीएनए में पढ़ा था। जी चलें जी, बहुत अच्छी बात है, अगर याद है। अब मैं यहां पर एक टोपोलॉजी बनाता हूँ। आपने मुझे जल्दी से उसका रोटेटिंग टेबल जोन सा है वो लिखकर सेंड करना है अभी। अच्छा हाँ जी, मैं एक टोपोलॉजी बना रहा हूँ। ये आ गया यहाँ पर मेरा, समझे के ए आ गया, यहाँ पर मेरा बी आ गया, यहाँ पर सी आ गया, और ये आपस में क्या कनेक्टेड है, यहाँ पर समझे के मेरी सीरियल 0 है और इधर भी सीरियल 0 है, और इनके यहाँ पर सीरियल 1 है और यहाँ पर भी सीरियल 1 है, और यहाँ पर जो उनसे सीरियल 3 ले लें और यहाँ पर भी सीरियल 3 ले लें, और यहाँ पर ये नीचे इनका फास्ट 0/0, यहाँ पर भी फास्ट 0/0, और यहाँ पर भी फास्ट 0/0। तो मैं इधर लिख देता हूँ इनके नेटवर्क के हैं। तो पहला जो है इधर मेरा सीरियल 0, दोनों पर मिलके जो नेटवर्क चल रहा है वो है 1.0.0.0। 1.0.0 का मतलब है ए वाली साइड पे 1.1.1 कर लें और जो इस बी वाली साइड पे वन जी डॉट वन डॉट टू कर लें, मिलके जो मर्जी कर लें आप। तो जो ठीक सीरियल 1 और सीरियल 1 पे जो चल रहा है ये है मेरा 2.0.0.0, और जो मेरा 3 पे चल रहा है ये है 3.0.0.0, और जो मेरा फास्ट के ऊपर नेटवर्क चल रहा है वो है 200.100.50.0, और जो मेरा नीचे इथरनेट बी के नीचे फास्ट पे चल रहा है वो है 200.100.100.0, और जो मेरा सी के नीचे चल रहा है वो है 200.100.150.0। जल्दी से एक का राउटिंग टेबल मुझे लिखकर अभी व्हाट्सएप पे फोटोज की सेंड करें। नए वाले पे पढ़ो। अच्छा जी, तो ए का हमने रोटिंग टेबल लिखना है इसमें, ठीक है जी। हमने क्या लिखना है, ए का रोटिंग टेबल लिखना है। मैं जरा लाइन सीधी करके लगा देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए ए का रोटिंग टेबल लिखने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया ऊपर, ए ए आप सबने लिख कर भेजा मुझे, ये बड़ा प्यारा लिख कर भेजा, लेकिन रोटिंग टेबल नहीं सही लिखा। चलिए कोई बात नहीं। अब बताएं, अब सबसे पहले आपने देखना है इस टोपोलॉजी में नेटवर्क कितने हैं, आप मुझे बताएं इस पे नेटवर्क कितने हैं, नाम खदीजा बताएं इसमें नेटवर्क कितने हैं। तीन हाँ जी, तीन तीन नेटवर्क है पूरी टोपोलॉजी में, बताने हैं आप मुझे पूरी टोपोलॉजी में कितने नेटवर्क हैं। छः 6 हैं, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, पांचवा ये आ गया, वो छेवा ये आ गया। मैंने जब कहा था रिप चल रहा है, रिप का मतलब है कि कन्वर्जेंस कंप्लीट है, ये
इसका मतलब है कि रोटिंग टेबल में ये 6 के 6 नजर आने चाहिए थे। अच्छा देखे ना, मैंने कहा था रिप चल रहा है, मैंने ये नहीं कहा था रोटिंग टेबल इनकम्प्लीट है, मैंने कहा था रिप चल रहा है। रिप का मतलब है कि कन्वर्जन हुई, इसका मतलब रोटिंग टेबल कंप्लीटेड हो चुका है। तो आप हाँ, पहले बताएं कि ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं। बी और सी। ए के साथ सिर्फ बी और सी के डायरेक्टली कनेक्टेड है। हाँ वो डायरेक्टली भी कनेक्टेड नेटवर्क कितने हैं? हमारे पास दो चीजें रोटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट होती हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क और दूसरी डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज। तो अब मुझे बताएं ए के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कितने हैं। दो। हमारे पास ए के साथ जी पहला नेटवर्क हमारे पास है ए के साथ सीरियल जीरो वाला, जो कि है 1.0.0.0, ठीक जी है जी, जो किधर से आ रहा है, सीरियल जीरो से, जो कि दूसरा मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है ए के साथ 2.0.0.0 वाला, जो कि सीरियल वन का है। और तीसरा देखिए ऊपर वाला फास्ट ईथरनेट 0/0, वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ए के साथ, हाँ वो फिर आपने क्यों मिस कर दिया? हाँ समझ आई? जी वो डायरेक्टली मिस कनेक्टेड था ना, फिर जी वो क्यों नहीं लिखा आपने टेबल में 50.0? ये किसका है? फास्ट ईथरनेट 0/0 का। तो देखिए तीन नेटवर्क मेरे कंप्लीट हो गए, कौन कौन जी सा, एक ये वाला कंप्लीट हो गया, एक ये वाला कंप्लीट हो गया, और ये वाला कंप्लीट हो गया। जी अब क्या रह गया? 3 वाला रह गया मेरे पास, या 3 वाले को छोड़े। अब मेरे पास पहले ये वाला रह गया, इसको पहले देखते हैं। ये वाला नेटवर्क, ये भी तो होना ना, रिप चल रहा है, तो ये किससे जी आएगा? रिप से आएगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हाँ ये रिप से आएगा ना, 200.100.100.0 वाला। तो जी मेरे पास क्या आ गया? आर आ गया, ठीक हाँ है जी। आर से क्या आ रहा है? 200.100.100.0 आ रहा है, ठीक है जी। अब जी देखें 200.100.100.0 के ए तक जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ये वाला इधर से, और एक रास्ता है ये वाला इधर से। आप जी बताइए, एक है सी के जरिए गुजर के जाने वाला और एक है डायरेक्ट जाने वाला, तो आप बताइए किधर से जाएगा? बी से बी से, क्योंकि अगर सी से जाए तो दो होप काउंट हो जाएंगे, एक ही होप काउंट ये और एक होप काउंट ये है, और अगर बी से जाए तो फिर एक ही होप काउंट होगा, तो जो कम होगा वही वाला रास्ता उसने चूज करना है ना। जी तो यहां पर मेरे पास आए क्या आ जाएगा? 120। इसका क्या है? एडी वे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और स्लैश आएगा, आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि वो एक हॉप ऑन करके गया है। जी जी इधर तक समझ आई? जी समझ गई। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए मेरे पास दूसरा ये वाला एक नेटवर्क आ जाता है, दूसरा मेरे पास आ जाता है ये वाला 150 वाला। तो ये भी ए का डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये भी रिप से जाएगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। आर से क्या जाएगा? 200.100.150.0। अब देखें इसके भी ए तक जाने के दो रास्ते हैं, एक यहाँ से जा सकता है और एक बी के जरिए जा सकता है, तो अब आप बताएं किधर से जाएगा? सी सी से सी से डायरेक्टली, क्योंकि अगर बी से जाएगा तो दो होप काउंट हो जाएंगे, जी तो ऊपर से इसका एक ही पढ़ना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास? 120/1। अब मेरा, क्योंकि इसका भी एक ही होप काउंट हुआ है, अब मेरा रह गया लास्ट वन। अब मेरा क्या रह गया लास्ट वन लास्ट वन, वो कौन सा है? 3.0.0.0 वाला, जी ये वाला। अब देखें इसने भी आर वन पे जाना है, तो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी किससे आएगा? इसने ये भी रिप से आएगा 3 डॉट, क्योंकि ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अब देखें इसके जो सा ए तक जाने के दो रास्ते हैं, एक बी के जरिए और दूसरा किसके जरिए? सी के जरिए। तो जी आप बताएं बी वाला आएगा या सी वाला आएगा? सी बी कर वाला क्यों आएगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये देखें ना दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर लिखा आगे आएगा, मैं आपको चीज बताता हूँ, ये यहाँ पर लिखा आएगा 120/, क्योंकि दोनों साइडों से एक होप काउंट आ रहा है, यहाँ पे लिखा आएगा 120
बाय एक, लेकिन साथ क्या लिखा आ जाएगा? वाया, वाया क्या लिखा आ जाएगा? एक साइड से क्या है, 1.0.0.0, और फिर नीचे क्या लिखा आ जाएगा? वाया। दूसरा क्या है, 2.0.0.0, अच्छा साथ वाया मेंशन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आर ऊपर वाला 100.0, ये किधर से किया था? 100.0 बी वाली साइड से किया था, तो इसका क्या आएगा? वाया 1.0.0.0। और जो 150 वाला था, ये सी वाली साइड से किया था, तो सी वाली साइड का था 2 था, तो यहाँ पे क्या आएगा? वाया 2.0.0.0। जी समझ आई? तो इस तरह से मेरा एक हाँ राउंड टेबल नजर आएगा ये आपको, ठीक है समझे? ये आप नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाया की अभी आपको नहीं था पता चला, अब वाया का पता चल गया, जी। अब आप लिख सकते हैं राउंडिंग टेबल। मिनट बस ये निकलो लिख लें बड़े आराम से लिखें ये, अभी मैं आपको इसकी लैब करके परफॉर्म करके दिखाऊंगा। ये राउंडिंग टेबल लिख लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, अब पूरा राउंडिंग टेबल लिखा गया। अब मेरे 6 के 6 नेटवर्क आ गए। पहले 3 जो उनसे थे वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे, इसलिए वो सी से आ गए। जो 100 जी वाला था वो आर से बी का नीचे था, तो डायरेक्टली नहीं था, इसलिए वो रिप से आएगा। और देखो, उसके 2 रास्ते थे, जो छोटा रास्ता था वहां से आएगा, और वो छोटा रास्ता 1.0 वाला था, तो इसलिए मैंने 1.0 लिख दिया। इस तरह जो 150 वाला था वो सी का नीचे था, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो रिप से आएगा। और रिप से आएगा क्या करके, 120/1, क्योंकि अगर बी वाली साइड से जाएगा तो 2 हॉप काउंट हो जाएंगे, लेकिन वो सी से डायरेक्ट गया इसलिए 1 हॉप काउंट आएगा। और वाया क्या आएगा, वो 2 वाले से गया। इस तरह जो 3.0 था, इसके 2 रास्ते थे और दोनों ही सेम थे, और दोनों में 1 1 हॉप काउंट था, तो इसलिए उसके एक दफा एंट्री आएगी, लेकिन 2 रास्तों से वाई साथ 2 नजर आ जाएंगे, जी ताकि एक डाउन हो तो वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाए। समझ जी ठीक है लिखिए आई जी इस चीज की? लिख लिया? करें जी जी, हम ये करके देखते हैं। ऑलरेडी इनके ऊपर रिफ चल रहा है मेरा, R1 और R2 के ऊपर रिफ चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक R3 ऐड करता हूँ। मेरी टोपोलॉजी थी इस तरह से कुछ, ये आ गया, ये इधर आ गया, ये इसके नीचे आ गया। अब यहाँ पर मैंने क्या ऐड करना है, एक और राउटर ऐड करना है। R3 आ गया मेरा एक और राउटर, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। R1 से मुझे कनेक्ट करता हूँ मैं Serial 1/1 से, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ Serial 1/1 के साथ। और एक मैं स्विच भी निकालता हूँ, इथरनेट स्विच भी आ गया मेरा नीचे, और मैं स्विच को Ethernet 0 से R3 की फास्ट Ethernet 0 पे कनेक्ट करता हूँ, और R3 को Serial 1/2 से R2 के साथ Serial 1/2 पे कनेक्ट कर देता हूँ। जी ये टोपोलॉजी क्रिएट हो चुकी है, और इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट। ये मेरा स्टार्ट भी हो चुका है। अब अगर मैं इसके इंटरफेस देखना चाह रहा हूँ, तो ये इस तरह से है, Serial 1/1, यहाँ पर है Serial 1/0, और यहाँ पर भी है Serial 1/0, और यहाँ पर है 1/2, और यहाँ पर है 1/2, और यहाँ पर है 1/1। तो मैं आपको चलता हूँ R1 पे, R1 पे जाने के बाद मैं Serial 1/1 पे IP साइन करता हूँ, तो हमारी टोपोलॉजी के मुताबिक मैं चलूंगा। तो टोपोलॉजी पे क्या IP दिया था, R1 A से C का 2.0, मेरे को तो 2 वाला नेटवर्क चलेगा। तो मैं आता हूँ R1 पे, और ये थी Serial 1/1 थी। तो R1 के में जाने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस Serial 1/1 पे जाता हूँ, वहां जाने के बाद मैं IP एड्रेस यहाँ पर दे देता हूँ 1 2 वाला, सॉरी 2.1.1.1 और 255.0.0.0। उसके बाद यहाँ पर इसको नो शट करता हूँ, और इसके ऊपर भी रिप चला देता हूँ। एग्जिट करने के बाद राउटर रिप पे जाता हूँ, और यहाँ पर नेटवर्क का लिख देता हूँ 2.0.0.0, क्योंकि 1 वाले और 50 वाले पे मेरा ऑलरेडी चल रहा है। मैंने 2 जब चलाया था, उसके लिए मैंने ये चलाया हुआ था, जब R1 और R2 था मेरे पास, तो तब के लिए मैंने ये दोनों के ऊपर रिप चलाया हुआ था। अब मैं एग्जिट करता हूँ, एग्जिट करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ अपने R2 के ऊपर, क्योंकि R2 को मैंने 3 वाली साइड पे IP देना है। मीन के मैंने, अगर आपको मेरा माउस नजर आता हो, तो मैंने इस लिंक पे अब IP देना है Serial 1/2 पे। यहाँ जी पर मेरा क्या IP होगा, 3.1.1, क्योंकि यहाँ पे 3.0 वाला नेटवर्क था। जी
तो मैं चलता हूँ आर टू पे, आने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाता हूँ। यहाँ आने के बाद इंटरफेस सीरियल 1/2 पे जाता हूँ। वहां जाने के बाद मैंने नो शिफ्ट किया था जब इंटरफेस पे आईपी दिया था। हाँ जी किया था। तो यहाँ आने के बाद मैं देता हूँ जी आईपी एड्रेस 3.1.1.1.255.0.0.0, उसके बाद इसको नो शिफ्ट कर देता हूँ और एग्जिट करता हूँ। और इसके ऊपर भी रिप चला देता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप, उसको मेरे पास नेटवर्क आ गया 3.0.0.0 और कंट्रोल जी करके बाहर आ गया। अब मैं आता हूँ R3 पे। तो R3 पे जाने के बाद मीन के ये अगर टोपोलॉजी देखें तो ये जोन सा ये R3 है। इसकी सीरियल जो ऊपर वाला यहाँ पर आईपी आएगा 2.1.1.2, और जो सीरियल 3 यहाँ पर आएगा 3.1.1.2। नीचे फास्ट 0/0 पे आएगा 200.100.150.100। तो जी मैं अब इसका CLI लेता हूँ R3 की। तो इसकी कंसोल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास R3 आ गया। आने के बाद इसकी मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चलता हूँ तो इसका जो इंटरफेस है जो R3 R1 के साथ कनेक्टेड है, उस इंटरफेस का सीरियल 1/1 नंबर है। तो मैं चलता हूँ इंटरफेस सीरियल 1/1। वहाँ जाने के बाद आईपी एड्रेस क्या दूंगा 2.1.1.2, क्योंकि R1 वाली साइड पे 2.1.1.1 हमने अभी दिया है, और डॉट जी जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो। इसके बाद किया हमने नो शर्ट। नो शर्ट करने के बाद एग्जिट, उसको मैं चलता हूँ इंटरफेस सीरियल 1/2 जो के R2 के साथ कनेक्टेड है। जो 1/2 है वो R2 के साथ कनेक्टेड है। और इधर आईपी हमने क्या देना, मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस दूंगा 3.1.1.2, क्योंकि 3.1.1.1 मैंने R2 पे दिया था। उसके बाद 255.0.0.0 और नो शट कर देता हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पर, और वहां जाकर मैं आईपी एड्रेस दूंगा 200.100.150.0.100, क्योंकि 50.100 R1 पे चल रहा है, 100.100 R2 पे चल रहा है, और 150.100 मैंने R3 पे कर दिया है। इसके बाद 255.255.255.0 किया और इसको मैंने नो शट कर दिया। नो शट करने के बाद मैंने इसे एग्जिट किया और मैं R3 के ऊपर भी रिप चला लेता हूँ। यहाँ जी मैंने किया राउटर रिप, राउटर रिप लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा नेटवर्क। तो मेरा पहला नेटवर्क क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.0.0, जो कि मेरा R3 और R1 के दरमियान चल रहा है। और दूसरा मेरे जी पास नेटवर्क क्या आ गया 3.0.0, जो कि मेरा R3 और R2 के दरमियान चल रहा है। और तीसरा मेरे पास क्या आ गया जिसका डायरेक्टली कनेक्टेड है 200.100.150.0। तो ये मेरे पास अब रूटिंग प्रोटोकॉल चल चुके हैं। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले R1 का रूटिंग टेबल लिखा था, वो कॉपियों में आपके सामने होगा शायद, ये जो ये मैंने साइड पे लिखा था। तो ये मेरी टोपोलॉजी अभी इस तरह से खड़ी हो चुकी है और ये मैंने साइड पे लिखा था। तो ये जो आपको लिखा होगा कॉपियों पे आपने लिख लिया। जी लिख लिया था। मैं अब शो आईपी राउट करता हूँ R1 के ऊपर, तो देखते हैं यही इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। तो शो आईपी राउट करके मैंने एंटर किया, तो ये देखें जी बड़ी मजे की चीज नजर आ रही है। देखें तो 3C, देखें 3C नजर आने चाहिए ना हमें, 3C, एक देखें एक 1.0.0 वाला, एक टू जी डॉट जीरो डॉट जीरो वाला और एक जी 150 वाला। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया था 100 वाला, जो कि 1 से आ रहा था 120/1 करके। ये देखें 120/1 करके, देखें 1 से आ रहा है, 1 वाले 1.1.2 से आ रहा है, वाया आगे मेंशन है। फिर देखें दूसरा जो है रिप से, वो क्या था 150 वाला, ये भी 120/1 का आ रहा था, 120/1 करके इधर से आ रहा था 2 वाले से। जी ये देखें अगर मैं टोपोलॉजी खोलूं, ये जितने मैंने लिखे ये देखें ये दोनों आ गए। ये देखें भाई 120/1 करके, 120/1 करके 1 वाले से आ रहा है, 2 वाले से आ रहा वाया। और देखें नीचे 3.0 वाला मैंने अभी लिखा था, 2 वाये नजर आएंगे, 1 वाला भी और 2 वाला भी, और 120/1 करके नजर आएगा। तो यहाँ पर देखें ये 3 वाला के जी दो नजर आ रहे हैं आपको, जी और वन दो ट्वेंटी बाई वन करके आ रहे हैं। जी तो अब आपको मी दे के रोटिंग लिखना आ गया होगा। चलें समझ जी समझ गई हैं, बहुत अच्छी गई बात है अगर आप समझ गई हैं। एक और टास्क करें, पहले इधर तक कोई सवाल हो आपका ना पूछे, ट्राई नहीं। वैसे ट्राई करती हूँ टास्क। करती हैं। चलें जी बहुत अच्छी बात है। ये आपने रोटिंग टेबल मैं एक लिखवा रहा हूँ आपको, ये आपने घर से लिख के आना है, ये आपने मुझे जी सेंड करनी है इसकी फोटो में लाजमी, और फिर हम कल इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास आ गया ए, ये कनेक्टेड है बी के साथ, और ये बी कनेक्टेड है
के साथ, ये आपका टास्क है, और ये कनेक्टेड है डी के साथ, और ये कनेक्टेड है किसके साथ? तो ये करने के बाद अब यहाँ पर आ गया मेरा ये साथ, इसके आ गया फास्ट इथ नॉट 0/0, इसके ऊपर भी फास्ट इथ नॉट 0/0, इसके ऊपर भी फास्ट इथ नॉट 0/0। ये अब सीसीएन नहीं है, यहाँ पर चीजें रोटर 2 से 3 और 3 से 4 भी हो सकते हैं, जी 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या है, ये सीरियल 0, ये भी है सीरियल 0, ये समझे कि सीरियल 1, और ये है सीरियल 1, ये सीरियल 2, ये सीरियल 2, ये सीरियल 3, और ये सीरियल 3। तो अब हम ऐसा करते हैं कि आईपी एड्रेस नेटवर्क असाइन करते हैं, तो सीरियल 0 और के दरमियान यहाँ पर मैं चल रहा है 1.0.0.0 वाला नेटवर्क, एक साइड पे 1.1.1, दूसरी साइड पे 1.1.2, और जो सीरियल 1 है यहाँ पर मेरा चल रहा है 2.0.0.0 का नेटवर्क, जो सीरियल 2 है यहाँ पे चल रहा है 3.0.0.0 का नेटवर्क, जो सीरियल 3 है यहाँ पर मेरा चल रहा है 4.0.0.0 का नेटवर्क। ए का जो ऊपर है उधर मेरा चल रहा है फास्ट इंटरनेट जो है वो 200.100.50.0। बी के जो नीचे यहाँ पे चल रहा है 200.100.100.0, जो फास्ट इंटरनेट 0/0 नीचे है वहाँ पर मेरा चल रहा है 200.100.150.0, और जो इधर ऊपर है यहाँ पर मेरा चल रहा है 200.100.200.0। तो अब आपने इस सिचुएशन में ए का राउटिंग टेबल लिखकर मुझे सेंड करना है, रिप चल रहा है, कन्वर्जेंस कंप्लीट है। तो ठीक टोटल मुझे एडी वैल्यू, सार उसका वाया, और साथ आपने उसकी हॉप काउंट, ये मुझे चीजें लिखकर मुझे पूरी तफसील सेंड करनी है। हाँ जी बस ठीक, ये आपके सामने है। तो ठीक है जी, कोई सवाल हो इधर तक आपका? नहीं चलें जी, बहुत अच्छी बात है। चलें जी, आपने अब मुझे ये इसका लिंक सेंड करना, मैं आपका वेट करूंगा। तो जी इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कोई सवाल हो तो पूछ सकती हैं आप अभी। जी नहीं, ट्राई करूंगी। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका।